हेलो यूट्यूब फैमिली, बड़ी को प्रणाम, छोटी को ढेर सारा प्यार। मेरे यूट्यूब चैनल पुष्पा दोसाद ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने प्यारे से गांव कपकोटी से। मैंने नहा लिया है अभी और अब हम लोग जो मानते हैं खाना भी रेडी है, थोड़ी देर में फिर खाएंगे खाना। चाची चाचा का बुखार नाप रहे हैं। चाची तुमको उन्हें भैया बुखार ना पड़ वो पर मेरे बाप जो फार्मेसिस्ट भाई। अच्छा फार्मेसिस्ट भैया बना भाई को नोब जो दवाई दी दे भाई। बुबू की ना तबीयत खराब हुई है, फिर अभी बुबू हॉस्पिटल गए थे, वहाँ से दवा लेके आए हैं और सब बुगड़े उन्हों चाचा ये बुखार आजकल। हाँ ठीक है, जला दवाई खाया टाइम पे और थोड़ा हल्का खाना खाया। मेरे चाचा ससुर जी को आ गया है बुखार, अभी आ रहे हैं वो हॉस्पिटल से और चाची ने बनाई उनके लिए खिचड़ी और थोड़ा खिचड़ी खाई। अब चाचा करेंगे आराम और थोड़ा देर चाचा चाचा साथ में बैठ के गप्पी सप्पे मारे। नीति आज नीलू चाचा बहुत थक गए हैं, अब जा रहे हैं सोने। सी जाओ हो देवर जी, आप और राखी भी खाने लगी है और हम भी खाते हैं। देवरानी का लाडला जुली और बंदरू को तो बिल्कुल नहीं आने देता, कितना बंदर इसको मारते हैं फिर भी भगा के रहता है बंदरू को ये। अरे वहाँ चल रही है बहुत ज़्यादा हवा और पेड़ देखो कैसे झूल रहे हैं, नाच रहे हैं। अभी अब थोड़ा सा लकड़ी फाड़ रही हूँ मैं भी। ये बाबा बने हैं देखो, ये भोले बाबा। देवरानी कह रही है कि तुम हमेशा अपने को आधा ही दिखाती हो, क्योंकि मैं खुद ही बनाती हूँ तो आधा ही दिखती हूँ। वो कहती है तुम अपना पेट नहीं दिखाते, आज मैं तुम्हें पूरा निकालती हूँ। तो अभी मेरी देवरानी बना रही है मेरा ब्लॉग और कह रही है पूरा दिखाती हूँ लोगों को कि तुम कितने मोटे हो करके। ये देखो तो छोटे पैर में कितने बड़े चप्पल हैं। तो साथियों मैं ना अपने चप्पल लेके नहीं आई थी, मैं सूज डाल के आई थी, तो मुझे जिसके चप्पल मिलते हैं पहन लेती हूँ, आधी पाँव के लिए हुए हैं। अंशना फोन देखते देखते यहाँ घुस गया और इतना रोने लग गया। अब ठीक है तू? ठीक है हाँ। तो देवरानी जी ने जाने वाली चाय बना दी अब, और अभी मेरे देवर जी भी जा रहे बागेश्वर क्योंकि उनका कल स्कूल है और मैं भी जाने लगी हूँ उनके साथ। यहाँ से ना अभी गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, बहुत कम गाड़ियाँ हैं अभी यहाँ से, तो अभी उनके साथ ही चली जाती हूँ। कदू का काम ही बच और परेशानी के लग रहा है। और जूली भी देखा है वहाँ पर से, तो अब जाने लग गई हूँ घर से। मैं और अक्सु जा रहे हैं अक्सु के पापा के साथ। अक्सु का मन नहीं हुआ है बिल्कुल घर से जाने को, क्योंकि वो भी गाँव में अच्छा मन नहीं कर रहा है ना मन, लेकिन जाना पड़ता है जो पढ़ाई करने के लिए। परसों आ जाएगी मम्मा। हाँ अंशु बाय बाय बेबी, लव फोन दो
बाय चाचू बाय। पहला हाँ पहला हाँ हाँ पूने बोर्ड जो है ना बोर्ड जो ना आलू में तो जाए वो लेकिन हाँ बाबू इतने पर हाँ पहला हाँ अब ध्यान दे आया का बताए चाची हिटनु हाँ पहला अब ध्यान दिया हाँ हो चांदू पर बाय दीना चाचा पहला जितने लोग हाँ हिटनु हाँ तो अब जाने लगी हूँ मैं भी तू रो रहा है तू पापा के तो रोने लग जाता है मत रो के और अभी यहाँ पर से जा रही हूँ ये प्यारी प्यारी बकरियाँ हैं यहाँ तो जाने लाभ है बाय फिर मिलू ना हाँ बाय बाय सब गाय भैंसों को मारे बाय बाय जाती हूँ हाँ हमारे गांव में ना हर एक ने एक भैंस पाली है तो ये मोहंदी की भैंस है अभी हम जाने लग गए अब गरुड़ को ये हमारा अक्सू और है घना सा जंगल बंदर अब सर पे कूद मार दे कुछ पता नहीं दुकान में अच्छा। और दुकान में आए हैं हमारी रानी भैया आई हैं और दूसरा जी भी जी इंसान लगे हाय तो साजी कैसे हो हेलो सर बेलू पापा और इन्होंने ना पानी नहीं भरा देखो मैं घर में नहीं हुई तो कुछ काम नहीं करने वाली बिस्लरी की चाय बनाने वाली हूँ पानी मैंने नहीं भरा बिस्लरी की चाय बनाने वाली और मैंने बिस्लरी की चाय और साथ में ना हमारी आई है नीतू और हमारी क्यूट सी मिस्ट्री आई है चलो अंदर चलो चाय पियोगे मैं बिस्लरी की बोतल लेके आती हूँ गांव के गांव घर में सारे शुद्ध रहते हैं हमेशा कुछ बिना आरो के पानी के अभी अब अक्सु के लिए ले जा रही हूँ एक मैगी और बनाती हूँ मैगी फटाफट से आते ही मैं कॉफी से मिली अपने कॉफी खोले इसको मेरा निशास लग गया था कॉफी को तुझे मेरी याद आ रही थी कॉफी तुझे मेरी याद आई बच्चू बोले देखो ये कोई इतना प्यार कर लिया मुझे कॉफी तुझे मेरी याद आई बच्चा ओले इतने छोटी छोटी कॉफी को याद आई हमारी कॉफी को याद आई कॉफी को है कॉफी को हम कॉफी ले ले तुझे भूख लगी कॉफी को फटाफट से हमारी बन गई है मैगी अब भानु और हमारा अंशु खाएंगे तो घर आके मैंने बच्चों के लिए मैगी भी बना ली और चाय वगैरह भी पी ली है
और अब यहीं पे करती हूँ अपने ब्लॉग को एंडिंग। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय, कल फिर मिलूंगी आप लोगों के पीछे एक नया ब्लॉग लेके। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय पहाड़।